ये आवाज़ निकालने वाली मछली है। तो शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग की। अब्दुलरहमान और मैं जा रहे हैं मच्छा पकड़ने के वास्ते, और देख सकते हैं पूरी तैयारी हमारी। ओके, देख सकते हैं फिशिंग रॉड वगैरह पूरे सब रेडी बांधे हुए इसके अंदर। हर तो वहाँ में सिद्धौड़ यानी केचुआ बोलते हैं उसको। ओके, तो ये कौन से बाहर निकल गए हम आज, और देख सकते हैं आप ये हमारे पास गेट है। ऐसे हमारे गाँव को पूरे 5 गेट है टोटली, और ये रास्ता जा रहा है घाट में यही पे। तो दोस्तों हम आ गए खानदेश के अंदर, नेरी यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर है, ठीक है। और हम रुक गए थे शिकंजी की दुकान पे, बहुत अच्छी शिकंजी मिलती है यहाँ पे। बताओ इधर अमजीत भाई, तो मेरे भाई अब्दुलरहमान मेरे साथ आया, इन्होंने बोला सबसे स्पेशल है ये पहुर के नज़दीक है, इनका नाम अभिषेक है ना, ठीक है। देख सकते हैं काफ़ी लोग भी रुके, कितने सारी गाड़ी रुकी उनकी शिकंजी की दुकान पे। बहुत फेमस है ये, से बहुत खास और स्पेशल चीज़ है ये। क्या पीने का शिकंजी, देख सकते हैं आप काफ़ी लोग रुके हुए इनके पास, ठीक है। बड़े बड़े तो कभी खुलेंगा हो, ठीक है। फिशिंग रॉड, ओके। पता है तो सोरा झाड़ के नीचे आराम कर रहा, ये गोनियों का झाड़ है दोस्तों, जो अच्छा फलाता खाने में, ठीक है। इसकी छो के नीचे बैठा, इधर केले की खेती। और अब हम आ गए तालाब के नज़दीक, ओके। हमारे को जाना है केले के खेती खेत के अंदर से, ओके। क्या है इसमें माल, फूल है माल, एक अट्टा भी यहाँ पे आगे लग गया डैम। हाँ, अब बीच में एक आइलैंड भी है छोटा मोटा जजीरा, उसके अंदर चलते जाना हमारे को। देख सकते ये वो डैम है दोस्तों, और काफ़ी मछुआरे मछली पकड़ रहे यहाँ पे। पकड़े बहुत अंदर से जाना पड़ा दोस्तों हमारे को, और सामने पूरे मछलियाँ पकड़ने वाले उन्होंने जाले वाले डाल के रखे। तो देखो कितनी बचपन में से आ गया मैं, और फिर उसको तोड़ के पार करके जाना है। पानी है रास्ते में, रास्ते में पानी भी है, ठीक है। ये अब्दुलरहमान जो है तलापी पकड़ियाँ, और मैं बल्लू मरल बोलते हमारे पास, मैंने बल्लू बोलते। ये अर्थवाम है दोस्तों, देखो बताओ जरा अर्थवाम, सो सिद्धौड़ बोलते केचवा, गांडूल चारा, गांडूल चारा बोलते। और ये फिशिंग रॉड, तो दोस्तों ये सेटअप लगाया हुआ है मैंने डब्बों का, ठीक है। लामदोर बोलते हमारे पास उसको, ओके। पूरे फेंके हुए चार के चार लामदोर पानी में, अब देखो क्या लगता है अपनों को। और सामने वाले इलाके पे देख सकते हैं आप, ये भोई लोग, दूसरे जो मछुआरे हैं जो प्रोफेशनल है जिनका धंधा है, वो लोग जाला डाल रहे हैं उसके अंदर। अभी जाला डालेंगे और तकरीबन सवेरे निकालेंगे शायद वो। तो माशाल्लाह एक पहली लाया का, इधर बताओ अर्जुन साधोड़े की छाल लगा ले घर पे ले जाके। देख सकते हैं आप पहली फिश है, पहली नहीं सॉरी दूसरी है ये, दुकान पे नहीं मिलती अपने घर। उस टाइम उसको रिकॉर्ड नहीं करा था, उन्हें पकड़ा था। तो अब्दुलरहमान खान, तो देख सकते हैं टेंगना लगी है, देख सकते हैं आप इसकी आवाज। तो अब ये यहाँ पे अब्दुलरहमान को झड़ी चालू होगी, झड़ी से जिलप भी लग रही है देख सकते हैं आप। और उधर भी बहुत जो हमारी थैली मछलियों की फुल होती आ रही है अभी, ओके। मैं तो उधर बैठे हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो ये एक और एक लगी इसको, लाया अच्छी मारा ये भी एक। और अब इसको झड़ी से लग रहे माशाल्लाह उस्ताद को, बताओ कैसी बड़ी, वाह वाह। गाइस गाइस को हाय बोलो, और डालती शुरू। मेरा ऐसा बोलना है एक ही पे लगाओ उस्ताद,
तो देख सकते हैं कितने सारे मछलियाँ हो गए माशाल्लाह। माशाल्लाह अच्छी साइज है। तो तिलापी दोस्तों जैसे कि देखे लगना चालू होगी अच्छी खासी स्पीड में। वैसे हमारा इरादा चरई का था ठीक है, लेकिन तिलापी तो एक्स्ट्रा में मार ले रहे हम, कल हम उसके ऊपर देखेंगे और ट्राई करेंगे। और ये बहुत बड़ी है ना, बड़ी है ना, अरे पागल है क्या, तो अच्छी दिख रही है। तो अब झड़ी के साथ लड़ी के साथ बोलते हमारे पास, वैसे लग रहे जलेबी शिकार किए है और थोड़ा बहुत करना बाकी है, आपको बताता हूँ मैं कितना शिकार किया। ओके, और जैसे कि देख सकते हैं आप ये बहुत बड़ा धरन है और बहुत सारी मछली लगने के चांसेस रहते हैं, इसके अंदर कुछ भी लग सकता है, बड़ी मछली छोटी मछली ठीक है। उधर से जो है जाले वाले डाल के लोग चले जा रहे ठीक है, अब सवेरे जाली रहता शाम शाम का या सवेरे सवेरे का, तब 5 बजे का टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि और कोई ना कोई बड़ी मछली लगेंगी। तो दोस्तों शाम का टाइम हो रहा और अब हमारी जाने की तैयारी है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का तालाब का, और इधर सूरज डूब रहा केली के बाग के अंदर, आगे जो सूरज डूब रहा वहाँ पर केली का खेत है, तकरीबन अतराफ में यहाँ पर पूरे केली के खेत है। यह दरअसल में खानदेश जलगांव के पास आता है और खानदेश के आप लोग जानते हैं भुसावल वगैरह के केले बहुत अच्छे रहते हैं। ओके, और अब्दुल रहमान ने ट्राई करा था और उसको लग गई। अरे बाम है, एक बार रुक, अरे 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 पकड़ पकड़ छूट गई। अरे यार दोस्तों उसको लग गई थी बाम अच्छी खासी, लेकिन छूट गई वो चिल्ला रहे कितने हो बता एक बार इधर। है 4-5 किलो, 4-5 किलो है ना, बस मेरा काम होगा उसमें।